बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश, जिसका नाम है साबूदाना डिज़र्ट। उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है, और 1 कप मैंने साबूदाना लिया है, जिसको साबूदाना या साबूदाना कुछ भी कह सकते हैं आप। और मैंने 1 कप इसमें चीनी ली है, और हमें इसके लिए 1/2 कप जो है वो कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होगा, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसकी रेसिपी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या आप सर्च करें हाउ टू मेक कंडेंस्ड मिल्क एट होम, या कंडेंस्ड मिल्क रेसिपी बाय हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। जी व्यूवर्स, अब हम कुकिंग की तरफ जाते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप भी इंजॉय कर सकें मज़े मज़े की रेसिपीज़। व्यूवर्स, हर रेसिपी में जो है वो कोई ना कोई ट्रिक मैं ज़रूर बताती हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको मुकम्मल रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही आपको मिल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी लिया है, स्टोव ऑन कर रही हूँ मैं फ्लेम। अब मैं इसको बॉईल करूँगी पानी को। जी व्यूअर्स, पानी हमारा जो है वो बॉयल हो रहा है। जब तक वो बॉयल होता है, मैंने दूसरी साइड पे जो है वो दूध रख दिया है मिल्क एक पैन में डाल के। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। जब तक इसको बॉयल आता है, हम थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ रखेंगे, और फिर जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको हल्की आँच पर पकाएँगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबूदाना। अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी पानी में। इतना आपने पकाना है कि ये साबूदाना जो है वो गल जाए और पानी जो है वो ड्राई हो जाए थोड़ा सा। इसको आपने इक्वली हिलाते जाना है जब तक ये अच्छी तरह पक जाएगा। जी व्यूअर्स, हमारा साबूदाना जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। इसको 2-3 उबाल आने तक आपने पकाना है। व्यूअर्स, ये मिल्क को भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और इसका देखें कलर भी चेंज हो रहा है। हमने शुगर साथ ही ऐड कर दी थी ताकि ये अच्छी तरह जो है वो गाढ़ा हो जाए। इसमें शुगर आप कम ऐड करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी इसमें डालना है। अगर आपने कंडेंस्ड मिल्क के बगैर बनाना है तो आप इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अब हम इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे फ्लेम बिल्कुल, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि ये 1/3 रह जाए। जी व्यूअर्स, ये मैं स्ट्रेन कर रही हूँ इसको। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इसका निकल जाएगा और सिर्फ साबूदाना जो है वो आपके स्ट्रेनर में रह जाएगा। कोई भी आप बास्केट ले लीजिए बारीक सुराखों वाली, ये आप स्ट्रेनर से भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें, ये देखें इसका एक पार्ट जो है वो ड्राई हो चुका है और 3 पार्ट्स रह गए। अब मैं इसमें साबूदाना ऐड करूंगी जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ है।
व्यूअर्स, मैंने साबूदाना ऐड कर दिया है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको मज़ीद पकाऊंगी। इतना पकाना है आपने कि साबूदाना अच्छी तरह गल जाए और ये गाढ़ा हो जाए दूध जो है। इसको आपने इक्वली हिलाते जाना है और हल्की आंच पे पकाना है। व्यूअर्स ये देखें हमारा साबूदाना जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसको ठंडा करूंगी, ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा दूध हमारा। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अभी मैं आपको इसको डेकोरेट करने के लिए बताऊंगी कि हम किस चीज़ से डेकोरेट करते हैं। इसको हम डेकोरेट करेंगे और कैसे सर्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं जब तक ये ठंडा हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारा साबूदाना जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और फिर हम इसको सर्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। ये मैंने आइसक्रीम ली है, ये कुल्फ़ा आइसक्रीम है, आप कोई भी ले सकते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है और आप सर्च भी कर सकते हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम बाय हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स। और ये मैंने जेलीस ली हैं, इससे मैं डेकोरेट करूँगी। ये देखें ये ग्रीन और रेड जेलीस ली हैं मैंने। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा साबूदाने में। ये मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे हम। और सर्विंग के लिए कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है इसमें। अब मैं इसमें साबूदाना ऐड करूँगी। ये बस ये मैंने साबूदाना इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये मैंने एक स्कूप जो है वो आइसक्रीम इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें दोबारा से साबूदाना ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने साबूदाना और ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें रेड जेली डालूँगी। जेली के क्यूब्स, जेली बनाने की रेसिपी जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू मेक जेली बाय हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी मज़ेदार जो है वो साबूदाना डिज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है। साबूदाना डिज़र्ट भी कह सकते हैं आप, साबूदाना जेली डिज़र्ट भी कह सकते हैं, साबूदाना डिज़र्ट भी इसे कहते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज रोज़ाना आपको फ्री में मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये देखें बहुत मज़े का लग रहा है। ओके बाय।